बैकग्राउंड से मेरा ताल्लुक है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने चाह रहे हैं वो हमारे BISc गुजरांवाला में 10 मार्क्स का वेटेज रखता है वो क्वेश्चन। उसमें हम चॉइस में आता है ये हमें क्वेश्चन, इसमें एक लेटर भी आता है, एप्लीकेशन भी होती है। एप्लीकेशन और लेटर में हमने दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होता है, ठीक हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है, दूसरा एप्लीकेशन की कर्नल बॉडी होती है। तो आज हम उसका फॉर्मेट बोर्ड पे लिख के पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम जो है उसकी जो बॉडी है उसको हम बुक से गो थ्रू करेंगे, ठीक हो गया। चलें जी, आज जो हम एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं उस पर आ जाते हैं। आज हमारी एप्लीकेशन का नाम है एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ लाइब्रेरी सिक्योरिटी। इसमें स्टूडेंट्स कुछ मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ इसमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि हमारे गुजरांवाला बोर्ड ने इसको कुछ वेटेज दी हुई है, ठीक है। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती हैं वो एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर की चीज़ें होती हैं, ठीक है। एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना होता है कि हम जहाँ से एप्लीकेशन को स्टार्ट करने लगे हैं, हमने हमेशा टॉप लेफ्ट से उसको स्टार्ट करना है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, डी का टी कैपिटल रखते हैं, क्योंकि ये एज पर रूल हम जब भी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो हम पहला जो वर्ड होता है उसके पहले लेटर को कैपिटल लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल वर्ड आ जाता है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसका पी भी हम कैपिटल लिखेंगे और इसके बाद हम कॉमा डालेंगे। अकॉर्डिंग टू पेयर्स हम एक गलती करते हैं, वो गलती ये होती है कि हम प्रिंसिपल एल ई वाला लिखते हैं जो एल ई से एंड होता है, लेकिन हमने प्रिंसिपल लिखना है ए एल वाला, ठीक है। उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं, कॉमा के बाद हम गवर्नमेंट कॉलेज लिखते हैं। आइडेंटिटी आपकी आपने कहीं पर भी उसको शो नहीं करना, इसलिए हम गवर्नमेंट कॉलेज लिखेंगे फिर हम कॉमा लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, हमने अपनी सिटी का नेम भी शो ऑफ नहीं करना होता, इसलिए हम क्या करते हैं ए बी सी उसके साथ डॉट्स लगाते हैं, तीनों के साथ कैपिटल में इनको लिखते हैं और सिटी लिखते हैं, अपने सिटी का नाम भी हम शो नहीं करते। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, नीचे हम जो फोर्थ लाइन में लिखते हैं वो है सर, सर बस एस हम कैपिटल लिख के इसको हम आगे जो है वो लिख देते हैं कॉमा, ठीक हो गया। फिर ये हमने मैंने जो थ्री लाइंस आपको नजर आ रही है ये बॉडी के लिए है, बॉडी को हम पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। फिर हम एंड पे आ जाते हैं, जब हम बॉडी को लिख लेते हैं तो हम एंड पे आ जाते हैं। एंड पे आके आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है योर्स, ठीक है। योर्स लिखने के बाद आपने लिखना है ओबीडिएंटली, और ओबीडिएंटली के इख्तिताम पे आपने कॉमा लगाना है फिर दोबारा, ठीक हो गया। उसके बाद एक्स डॉट वाई डॉट जी डॉट, और ये तीनों कैपिटल में आपने लिखना है, ठीक है। अब डेट का फॉर्मेट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हम फिर यहाँ पे गलती करते हैं कि हम डेट को जो है ना वो थोड़ा सा अपनी मर्जी से लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैसे नहीं, इसका प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट ये कहता है कि हमें जो मंथ है उसको पूरा लिखना है कम्प्लीटली पहले, फिर हम उसके डेट को नंबर वाइज लिखेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे, जिसका डेट 1 है 2 है 3 है तो हम वैसे लिखेंगे, फिर हम कॉमा डालेंगे और फिर हम ईयर लिखेंगे, जिस तरह ईयर हमारा 2020 है तो इसी तरह हम डॉट डाल देंगे, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट हो गया, इस फॉर्मेट के तहत हमने एप्लीकेशन को लिखना होता है। अब जो स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है वो हम इसकी बॉडी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बॉडी में क्या क्या चीजें होती हैं उनके हवाले से हम बात कर लेते हैं। बॉडी में हम स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह लिखेंगे, आई एम ई फोकस ऑन योर प्रोनाउंसिएशन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते, तो प्लीज इसके ऊपर भी फोकस कीजिएगा। आई सबमिट रिस्पेक्टफुली दैट माई एजुकेशन इज इन कॉलेज हैज एंडेड सक्सेसफुली, ठीक है। Now I am going back to prepare for the annual examination. इसमें आप उनको कह रहे हैं कि मेरी स्टडीज कॉलेज में कंप्लीट हो चुकी हैं और अब मैं वापस जा रहा हूं अपने इम्तिहानात की तैयारी करने के लिए। आई वॉन्ट टू गेट बैक माई लाइब्रेरी सिक्योरिटी फंड, ठीक है। आप कह रहे हैं कि जी मुझे जो मेरा लाइब्रेरी सिक्योरिटी फंड है वो वापस दे दिया जाए, मैं वापस चाहता हूँ। आई हैव रिटर्न ऑल द बुक्स ऑफ लाइब्रेरी इन ड्यू टाइम एंड पेड ऑल हॉस्टल ड्यूज, ठीक है। वो कहते हैं जी मैंने बुक्स भी सारी जो टाइमली ली थी वो मैंने वापस कर दी हैं और मैं अब जो मेरे हॉस्टल के ड्यूज भी मैंने पे कर दी हूँ मैं सारे। आई रिक्वेस्ट यू टू रिफंड माई लाइब्रेरी फंड एज सून एज पॉसिबल, ठीक है जी। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे जो फंड्स हैं वो मुझे जल्द अज जल्द वापस कर दिए जाए।
थैंक्स इन एडवांस विद ड्यू रिस्पेक्ट योर्स ओबीडिएंटली एक्स वाई जी, सेम उसी को हमने रिपीट कर दिया। ओके गाइस, ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छा ये टॉपिक लगा होगा। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हमारा ये चैनल सुपीरियर गुजरांवाला का, इसको सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे व्यूज भी बढ़े और हम टीचर्स का हौसला भी बढ़े और हम आपके लिए इसी तरह ही अच्छे अच्छे नए टॉपिक्स लेके आए आपकी एग्जाम्स की तैयारी के लिए। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।